हेलो फ्रेंड्स, टेक बियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एजोस टफ A15 2021 एडिशन की अनबॉक्सिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए लैपटॉप अंदर से कैसा निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है इसका बॉक्स कुछ इस तरीके से आएगा, ब्राउन कलर का। इसके अंदर एक और बॉक्स है जो मेन लैपटॉप बॉक्स होगा, और ये ओपन हो चुका है। यहाँ बिल है, हम इस बिल की डिटेल आपको दिखा देते हैं। ये बिल डिटेल्स है, इसके अंदर ये ब्राउन कलर का एक और रैप, और ये है हमारा, आप देख सकते हैं, टफ गेमिंग लैपटॉप का बॉक्स कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसमें जो भी है यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करके इस तरह से पढ़ सकते हैं। और अब खुलने जा रहा है हमारा मेन बॉक्स, तो इस पूरी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। ये इसका फ्रंट लोक बॉक्स का, खोल दो भैया जी, बहुत इंतजार करवा रहे हो। और ये इसकी सील ब्रेक हो चुकी है, और ये देखिए वन, और ये हमें सबसे पहले मिलता है चार्जर का बॉक्स। ये चार्जर कुछ अडेप्टर इस तरीके से है, अडेप्टर की डिटेल्स यहाँ पर है, आप यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। 20 वॉट का अडेप्टर है, 9 एम्पियर। ये इसकी केबल, और ये हमने साइड में पटक दिया, जो मेन चीज है वो ये रही। और ये अब जाके अब ये खुलेगा लैपटॉप, आप देख सकते हैं पीछे से कुछ इस तरीके से है। ये साइड से USB पोर्ट, RJ45 पोर्ट और HDMI पोर्ट और चार्जिंग पोर्ट और 3.5mm जैक कुछ इस तरीके से है। और इसके राइट साइड में है एक USB पोर्ट जो कि है 3.0। ये इसका पीछे से लुक, ये इसकी डिटेल्स जो है आप यहाँ पर अगर चाहें तो वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और अब हम खोलेंगे अपना लैपटॉप, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये है लैपटॉप। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो लिखी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में कि इसमें क्या, इसकी जो लॉन्च डेट है 9 अगस्त है, और हम देख लीजिए आपकी जो वीडियो है, हमने स्पेशली इसी वीडियो के लिए लैपटॉप ऑर्डर किया है। इसमें है 3.2 के 3 USB पोर्ट और एक 3.5mm का जैक, और इसके अलावा इसमें एक RJ45 का जैक, एक HDMI पोर्ट और एक चार्जिंग पोर्ट, और इसका जो चार्जर है वो 180 वॉट का है। इसके अलावा इसमें आपको मिल जाती है 8GB की रैम, 512GB की SSD, 15.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, और इसके अलावा आपको मिलती है 144GHz की रिफ्रेश रेट। इसके अलावा हमें ये जो लैपटॉप है 71990 का पड़ा है अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से। इसके बाद हमें मिलती है 90 वॉट आवर की बैटरी, इसका जो है कीबोर्ड RGB है वो अभी हम आपको सेटअप करके पूरा दिखा देंगे। इसके अलावा आपको इसमें मिलता है एक्सबॉक्स का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, प्लस ऑफिस 365 का 1 मंथ का ट्रायल, एंड एम कैफे का 1 ईयर का पूरा सब्सक्रिप्शन। अब हम इसको सेटअप कर रहे हैं, इसको ऑन कर रहे हैं, किस तरह से होगा RGB कीबोर्ड आपको पूरा दिखाएंगे। तो पूरे वीडियो पूरा देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट बूट जो है ये हो रहा है, और इसकी जो डीजे लाइट है वो चालू हो चुकी है, RGB लाइट, और ये बहुत ही शानदार लगता हुआ। आपको पूरा प्रोसेस होने का हम पूरा बताएंगे कि इसमें क्या क्या और जो चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसके लिए वीडियो पे बने रहिएगा, और इसको वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट लैपटॉप की हम अनबॉक्सिंग आपके लिए लाते रहेंगे।
आप देख सकते हैं कि लैपटॉप पूरा सेटअप हो चुका है और अब आप इसका वॉलपेपर देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है। अब हम इसको आपको इसको थोड़े से फीचर बता के इस वीडियो को एंड करेंगे और 10 से 15 दिन बाद इसका एक रिव्यू वीडियो डालेंगे कि इस लैपटॉप को क्यों नहीं खरीदना चाहिए या क्यों खरीदना चाहिए। तो उसके लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो लैपटॉप है स्पेशली इसी वीडियो के लिए खरीदा गया है, सिर्फ और सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए। तो इसको पूरा देखते रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं हमने जो पूरा लैपटॉप है सेटअप कर चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रोसेसर है वो राइजन का R7 मिलता है, Ryzen 7 4800H 8 कोर का 16 थ्रेड के साथ में। और GPU जो है इसका RTX 3050 4GB का डेडिकेटेड है। इसके अलावा आपको जो मैं टास्क मैनेजर खोल के बता देता हूँ यूज़र डिटेल्स के लिए, देख सकते हैं CPU AMD Ryzen 7, आप पूरा यहाँ से पढ़ सकते हैं टास्क मैनेजर में। अब मैं इसकी मेमोरी में जाता हूँ, जो 8 GB इनबिल्ट मेमोरी है इसमें, दो मैम रैम स्लॉट है, इसमें दो रैम के स्लॉट है, 8 GB जो है आपको डाल के देते हैं। इसके अलावा 32 GB तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं जो स्लॉट। इसके अलावा आपको SSD का स्लॉट मिलता है 512 GB का, उसमें यूज़र अवेलेबल स्पेस मैं आपको बता दूंगा अभी कितना है। इसके अलावा आपको वाईफाई जो है आप देख सकते हैं वाईफाई 6 है। इसके अलावा आपको ब्लूटूथ का भी लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है 6। माफ़ी चाहूँगा, इसमें जो ब्लूटूथ वर्जन है वो 6 नहीं है, जो लेटेस्ट वर्जन है 5.1 वो है। इसके अलावा आपको जो एक तो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड है नवीदिया का वो मिल जाता है, और AMD का जो है दूसरा वो मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 512 GB है उसमें से यूज़र अवेलेबल स्पेस जो है 406 है। इसमें अभी हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, सिर्फ हमने इसकी जो ऐप है उसको अपडेट किया है और कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है। इसमें आप ये देख सकते हैं आर्मरी क्रिएट करके एक सॉफ्टवेयर है जो इसका इनका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको कीबोर्ड सेटिंग, गेमिंग मोड, IGPU ऑन ऑफ, टेम्परेचर सेटिंग सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है कि आपको कैसा क्या रखना है, ताकि आप बैटरी बचाना है या गेम खेलना है तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो इसमें अभी तक हमने इंस्टॉल जो इसकी अपडेट ही इंस्टॉल की, इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया। तो इसमें मुझे आपको आइडिया लग गया होगा कि आप कितना यूज़र अवेलेबल स्पेस मिलता है। यहाँ पर आप ये जो एक IGPU मोड दे रखा है, इसमें आप जो इसकी में डेडिकेटेड जो ग्राफिक कार्ड है उसको ऑफ कर सकते हैं, ताकि जो आपकी बैटरी है अगर आप इसको टर्न ऑन कर देंगे तो आपकी बैटरी ये कम खाएगा। तो इसमें आप इसको IGPU मोड को टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस लैपटॉप से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, हम उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। चाहे आपका एक भी कमेंट होगा हम उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।